आपका यही अभिनय विपक्ष में काम आधुनिक जीवन शैली तुम्हारे साथ के लिए बहुत अच्छी है। फिर ये घातक कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। आधुनिक जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। पहले साइकिल का यूज किया जाता था, लेकिन आज साइकिल की जगह मोटरसाइकिल मतलब विभिन्न तेज गति से चलने वाले वाहनों ने ले ली है। और इसके साथ हमें रोज सुबह के अखबार में हम देखते हैं नित नई दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। इनकी इन परिवहन की तेज गति से चलने वाले वाहनों की अनियंत्रित गति के कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। आज जब हम सोकर उठते हैं मतलब तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम साकुशल अपने घर पहुंचेंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि आधुनिक जीवन शैली के चलते इतने एक्सीडेंट होते हैं कि पता नहीं हमारा नंबर कब आ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी इन वाहनों से निकलने वाले धुएं और साथ साथ बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण निकले हुए विषाक्त पदार्थ और विषैले धुओं से हमारे वनों का विनाश हो रहा है। जलवायु प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, हमारी जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है और ओजोन परत का विनाश हो रहा है और इसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर ही पड़ रहा है। आप खुद सोचिए कि हम बिना भोजन के एक सप्ताह रह सकते हैं, बिना पानी के एक दिन रह सकते हैं, लेकिन क्या बिना सांस लिए हम एक पल भी रह सकते हैं? अर्थात नहीं। और यदि हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं तो आप खुद बताइए जिस वायु में हमें सांस लेनी है यदि हम उसी को प्रदूषित कर देंगे, उसी को सांस लेने लायक नहीं छोड़ेंगे तो आप खुद बताइए आपका जीवन इस आधुनिक जीवन शैली में सुगम कैसे हो सकता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी आज बड़े बड़े ऑफिस में लोग घंटों बैठकर कार्य करते हैं, लेकिन इस आधुनिक जीवन शैली के चलते इस लगातार बैठने के कारण विकल हृदय रोग के शिकार हो जाते हैं। उन्हें खुद पता नहीं चलता है, वे खुद नहीं समझ पाते हैं कि अचानक से आने वाली बीमारियां हमें कहां से शिकार कर गई हैं। साथ ही साथ इन आधुनिक तकनीकों के चलते हम इनके गुलाम होते जा रहे हैं। हमारी याददाश्त पर प्रभाव पड़ रहा है, अब हम कोई भी चीज याद रखना नहीं चाहते हैं। हर एक चीज को हम अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर उसे सेव कर लेते हैं। हम ये मतलब नहीं रखते हैं कि हमें याद भी होनी चाहिए और जिसके कारण आज हमारा जीवन गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। हम इन आधुनिक तकनीकों के गुलाम होते जा रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगी साथियों की कचरा खाना छोड़िए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। कचरा खाना छोड़िए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। साथ ही साथ मैं विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में कैंटीनों में मिलने वाले उस जंक फूड बर्गर नूडल और पिज्जा आदि का भी विरोध करती हूँ। और साथ में मैं कहना चाहूंगी इन सभी भोज्य पदार्थों पर नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। मैं यहाँ उन माता पिता से कहना चाहूंगी जो इस फैशन के दौर में अपने बच्चों को कोका कोला बर्गर और पिज्जा खिलाने से शान की बात समझते हैं, वह कोई शान की बात नहीं है बल्कि इससे उनके बच्चों को उनके स्वास्थ्य को बहुत ही हानि होती है और वह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होता है। हमारी भारतीय संस्कृति शुद्ध पाक तथा कम मसाले वाले भोजन के लिए विख्यात थी, लेकिन एक आधुनिक संस्कृति है जंक फूड तथा मसालेदार भोजन के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न कर दी है और ऐसी कई अनेक बीमारियां हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते हैं और जिन पर अभी शोध कार्य चल रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि साथ ही साथ टेलीविजन और इंटरनेट जैसे साधनों पर भी नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि इसके चलते हमारे देश के युवा शुद्ध बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं और घंटों उस पर बैठकर अपना समय बर्बाद करते हैं। आज उनके पास अपने माता पिता तथा अपने परिजनों को समय देने के लिए समय नहीं होता है क्योंकि वह इनके गुलाम बनते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश में ऐसे कई माता पिता हैं जो सोचते हैं कि काश हमारे बच्चे के लिए हमारे लिए टाइम मिल जाए, लेकिन वह अपना टाइम नहीं दे पाते, वह इससे व्यस्त होते हैं। आधुनिक जीवन शैली हमारे लिए घातक है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी बर्गर नूडल पिज्जा नहीं है अच्छा खाना, बर्गर नूडल पिज्जा नहीं है अच्छा खाना, इनमें कोई गुण नहीं है बीमारी का खजाना। गाजर मूली टमाटर लाना विटामिन से भरपूर, ये रखते हैं स्वस्थ और बीमारियों को रखते दूर, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि आज शुद्ध शाकाहारी भोज्य पदार्थों की जगह प्रसंस्कृत भोज्य पदार्थों की भरमार है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक उत्पन्न है।